दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आदेश हुए जारी, कैसे बनेंगे मैनुअली सत्यापन पत्रक, इस विषय में हम जानकारी पूरी देंगे। हमारा वीडियो देखते रहें। तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल और आज दिनांक 15 मई 2019 की खबर है। समस्त संभागीय आयुक्त लोक शिक्षण संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में संदर्भ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक और दिनांक 8/3/19 के अनुसार राज्य शासन के संदर्भित आदेश की खंडिका 2 के अनुसार अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने के निर्देश जारी किए गए, जिनके अनुक्रम में NIC द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने की ऑनलाइन प्रणाली GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। प्रक्रिया देखते हैं हम कि आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने की इच्छुक आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर से GFMS पोर्टल पर लॉगिन करें, बायोमेट्रिक OTP प्रक्रिया द्वारा आधार सत्यापित करते हुए EKYC कराएं। इसके लिए आवेदक के पास समग्र ID होना चाहिए। तो मित्रों, यह प्रक्रिया हमने पहले भी करा चुके हैं, समग्र ID से EKYC पूर्ण करा चुके हैं, और जिन्होंने नहीं कराया है वो करा ले। रिपोर्ट ऑप्शन में डाइस कोड सत्र तथा माह की प्रविष्टि के उपरांत सूची प्राप्त होगी, जिसमें उक्त सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक का गेस्ट ID, अतिथि शिक्षक का नाम, जन्मतिथि इत्यादि जानकारी प्रदर्शित होगी। इस सूची में प्रदर्शित गेस्ट ID एवं जन्म तिथि की जानकारी नोट कर लें। उसकी आवश्यकता रजिस्टर क्लेम फॉर्म भरने के लिए होगी। रजिस्टर क्लेम फॉर्म इसी गेस्ट ID एवं जन्म तिथि से ही जनरेट होगा। रजिस्टर क्लेम फॉर्म ऑप्शन में गेस्ट ID, जन्म तिथि, सत्र एवं कैप्चर डालने के बाद क्लेम फॉर्म देखें। आवेदक सत्रवार एवं विद्यालयवार क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट करें। यदि क्लेम फॉर्म में कार्य दिवसों की संख्या में विसंगति परिलक्षित हो रही तो रिमूव क्लेम के द्वारा क्लेम फॉर्म को डिलीट करके नया क्लेम फॉर्म जनरेट करें। क्लेम फॉर्म में कार्य दिवसों की संख्या का प्रदर्शन एजुकेशन पोर्टल से तैयार किए गए मानदेय से हो रहा है। यदि किसी सत्र माह में मानदेय देयक एजुकेशन पोर्टल से जनरेट नहीं होने की स्थिति में उक्त सत्र के माह एवं दिन प्रदर्शित नहीं होंगे। इस स्थिति में आवेदक संलग्न प्रारूप में क्लेम फॉर्म भरेंगे। परिशिष्ट 1 आगे दिया गया है, जिसे हम पूरी तरह आपको समझाएंगे। बिंदु क्रमांक 1.5 तथा 1.7 के अनुसार तैयार क्लेम फॉर्म में अंकित उपस्थिति कार्य दिवसों की संख्या के सत्यापन हेतु क्लेम फॉर्म संबंधित संस्था को 3 प्रतियों में प्रस्तुत करें। हमें जो क्लेम फॉर्म ले जाना है वह 3 प्रति में हमें साथ में ले जाना है। उक्त कार्यवाही की अंतिम तिथि 31 मई 2019 है। संस्था प्रमुख से सत्यापन के उपरांत आवेदक समस्त क्लेम फॉर्म को एक फाइल कवर में व्यवस्थित रूप से संधारित कर संकुल प्राचार्य कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही क्या होगी, इस विषय में हम जानते हैं कि संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही आवेदक से प्राप्त क्लेम फॉर्म में अंकित उपस्थिति कार्य दिवस का मिलान उपस्थिति से पंजी करें। कार्य दिवसों की संख्या में भिन्नता की स्थिति में उपस्थिति पंजी की संख्या को क्लेम फॉर्म में अंकित करें। सत्यापन उपरांत क्लेम फॉर्म की हस्ताक्षरित 1 प्रति आवेदक को, 2 प्रति संकुल प्राचार्य और 3 प्रति अभिलेख के रूप में विद्यालय में रखी जाए। संकुल प्राचार्य या आहरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जो होगी, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा रही क्लेम फाइल को कार्यालय में व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखा जाए तथा भविष्य में आवश्यकता होने पर प्रस्तुत किया जाए। संकुल कार्यालय द्वारा यह देखा जाए कि आवेदक से प्राप्त की जा रही फाइल में संलग्न क्लेम संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित हो तथा वह क्लेम फॉर्म में प्रदर्शित स्कूल के अंतर्गत हो।
तीसरा, आवेदक द्वारा किए गए कार्यदिवसों का सत्यापन संकुल द्वारा तैयार किए गए मानदेय देयकों के अभिलेखों के आधार पर किया जाए। भिन्नता की स्थिति में मानदेय देयक की संख्या को क्लेम फॉर्म में अंकित करें। संकुल प्रचार DDO लॉगिन से क्लेम फॉर्म में संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित उपस्थिति दिवसों को ऑनलाइन रूप से GFMS पोर्टल पर दर्ज करें। आवेदक जिनके द्वारा हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म मानदेय एजुकेशन पोर्टल से तैयार नहीं होने के कारण ऑनलाइन क्लेम फॉर्म जनरेट नहीं होने की स्थिति में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के क्लेम फॉर्म में क्लेम किए गए कार्य दिवसों का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित समिति के विशेष परीक्षण के उपरांत ही मान्य किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। क्लेम फॉर्म के संशोधनों को संकुल प्राचार्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार GFMS पोर्टल में अपडेट करने के पश्चात लॉक किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, संकुल द्वारा की गई कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात लॉक प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी से लॉगिन ID पर प्रदर्शित होने लगेंगे, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किया जाएगा। तत्पश्चात पोर्टल जनरेट बार कोडेड अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट होगा, जिसे डाउनलोड करने के उपरांत जिस पर संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के उपरांत मान्य होगा। उक्त कार्य की सतत मॉनिटरिंग में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राचार्य अभिलेखों के मिलान के उपरांत ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। यदि गलत सत्यापन के संबंध में भविष्य में कोई शिकायत प्राप्त होती तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख संकुल प्राचार्य की होगी। ध्यान रखने योग्य प्रमुख सावधानी है कि GFMS पोर्टल में केवल एक ही पंजीयन कराना है। आवेदक जिन्होंने GFMS पोर्टल पर एक से अधिक पंजीयन करा लिए हैं, वे आवेदक संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित नंबर से लॉगिन ही EKYC करें। आवेदक जिन्होंने EKYC सत्यापित पंजीयन से न कराते हुए अन्य पंजीयन नंबर से करा लिया है तो इस प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए संलग्न प्रारूप में आवेदन ईमेल करें। EKYC करते समय समग्र ID एवं आधार नंबर सावधानी पूर्वक दर्ज करें। यदि आवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की समग्र ID आधार नंबर दर्ज कर दिया है तो इस प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए संलग्न प्रारूप में आवेदन dpi@gmail.com ईमेल करें। उक्त प्रक्रिया का हेल्प डॉक्यूमेंट तथा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न के साथ संलग्न है। कृपया डॉक्यूमेंट का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत कार्रवाई करें तथा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। तो परिशिष्ट एक क्या है, इस विषय में हम देखते हैं कि उपस्थिति सत्यापन पत्रक परिशिष्ट एक भरे हुए सत्यापित पत्रक को अभिलेख के रूप में नत्थी में संधारित करें। सत्र लिखा रहेगा, विद्यालय का डाइस कोड, विद्यालय का नाम, अतिथि शिक्षक की जानकारी पोर्टल में उपलब्ध विवरण के अनुसार, अतिथि शिक्षक की गेस्ट ID, अतिथि शिक्षक का नाम, अतिथि शिक्षक की जानकारी आधार के अनुसार, आधार नंबर और नाम लिखा रहेगा। एजुकेशन पोर्टल में लॉक किए गए मानदेयक का विवरण रहेगा, पद जिसके विरुद्ध काम किया है, माह संस्था प्रमुख के अनुसार कार्य दिवस, संकुल प्राचार्य के अनुसार कार्य दिवस, और यहाँ पे हमें माह की तिथि लिख देना है, यहाँ कौन सा माह है, यहाँ पे वर्ग लिख देना, माह लिख देना, संस्था प्रमुख के कार्य दिवस और कार्य दिवस हो जाएगा। आवेदक का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा GFMS पोर्टल में उपस्थिति पत्रक निकालने का प्रयास किया गया, किंतु उक्त सत्र की जानकारी उपलब्ध नहीं है, उक्त जानकारी सत्य है और आवेदक को यहाँ हस्ताक्षर करना पड़ेगा। इसी प्रकार संस्था प्रमुख का भी सत्यापन आएगा यहाँ पर कि प्रमाणित किया जाता है कि अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति दिवस का सत्यापन शाला अभिलेख से कर लिया गया है। दिनांक, संस्था प्रमुख, यूनिक ID, नाम, पदनाम लिखना होगा और यहाँ साइन करना होगा संस्था प्रमुख को। इसी प्रकार संकुल प्राचार्य का सत्यापन होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि शाला में उपस्थिति दिवस का सत्यापन मानदेय भुगतान देयक से कर लिया गया है। दिनांक रहेगा संकुल प्राचार्य की यूनिक ID, नाम, पदनाम और हस्ताक्षर। तो मित्रों, यह प्रक्रिया हमें करनी होगी और पूरी जानकारी के लिए एजुकेशन पोर्टल देखें और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।